ये वीडियो है मेरे मिसकैरेज के बारे में आने का एक ही रीज़न है, ताकि मैं आपके साथ अपनी स्टोरी या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, और अगर आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो मे बी मैं आपको कहीं पे थोड़ी सी हिम्मत दे सकूं, और मे बी मेरी स्टोरी सुनने के बाद आप भी थोड़ा पॉजिटिव फील करें। अगस्त में मुझे पता चल गया था घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जैसे ही मुझे पता चला मैं बहुत ही खुश थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्लान्ड प्रेगनेंसी थी और लकीली कि पहले ही ट्राई में मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो सबसे अच्छी बात तो वो थी। और मैं हमेशा से चाहती थी कि जब मेरा बेटा जो रणवीर है जो 5 साल का हो जाए, उसके बाद मैं दूसरी प्रेगनेंसी ट्राई करूँ। बहुत एक्साइटेड थी, हमने अपने परिवार वालों को बताया, मैंने थोड़े से व्लॉग्स बना दिए, और मैंने वो व्लॉग्स अपने लिए बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट रखे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि हमने सोचा था हम 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, और रणवीर के टाइम भी मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे था कि नज़र ना लग जाए, कुछ गलत ना हो जाए, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मैंने कभी भी व्लॉग्स नहीं बनाए थे उसकी प्रेगनेंसी के टाइम। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में सिर्फ यही चीज होती थी कि स्पॉटिंग होती रहती थी और मुझे डर लगता रहता था मिस कैरेज का। भगवान की दया से वो नहीं हुआ फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और रणवीर आज हमारे साथ है। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे स्पॉटिंग और ये सब नहीं हुई, तो मुझे लगा कि डिफरेंट है, तो अच्छी बात है कि मुझे स्पॉटिंग नहीं हो रही है, इट शुड बी हेल्थी प्रेगनेंसी। और उसके अलावा जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट थी और जो सबसे ज़्यादा मुझे फील होती थी इस प्रेगनेंसी में, नौशिया और टायर्डनेस इन सब के अलावा, था वो था कि ना शॉर्टनेस ऑफ टेम्पर। मैं बहुत छोटी छोटी बातों से अनॉय हो रही थी उस टाइम पे। चलो फिर 6 वीक्स की अपॉइंटमेंट आई, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने 6 वीक्स पे यूजली लोगों को हार्ट बीट नहीं मिलती है, पर मेरे अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन जो लेडी थी उन्होंने मुझे स्क्रीन पे मुझे मेरे हस्बैंड को हार्ट बीट दिखाई, तो वो उन्होंने मुझे दिखाई, और मुझे वो देख के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई। हम लोग बहुत खुश हुए कि हार्ट बीट आ गई है, और हम लोग पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद मुझे ट्रैवल करना था, नेहा की शादी थी मेरी सिस्टर इन लॉ की, आप लोगों को पता है, जब मैं ट्रैवल कर रही थी उसी टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड और टायर्डनेस थी, और एक्सट्रीम टाइप का फीवर टाइप हो गया था, मैं ज़्यादा बीमार हो गई थी, मे बी शादी की तैयारी में, ट्रैवल में, पैकिंग में एंड ऑल दैट। तो वो 11 एंड हाफ वीक्स हो गए थे, वो मेरी सेकेंड डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट थी, और मैं ऑल प्रेग्नेंट फील कर रही थी, और मैं प्रेगनेंसी की फॉलिक एसिड वगैरह भी खा रही थी, खाने पीने का ध्यान रख रही थी, हर चीज़ में रेस्ट कर रही थी, सब कुछ था। नंबर आया और डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे लिटाया और इंट्रावजाइनल स्कैन किया, क्योंकि दैट इज़ द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में आपका फिटस बहुत स्मॉल होता है, तो ऊपर एब्डोमिनल स्कैन जेल लगा के करने से आपको मे बी उतने क्लियर सब कुछ नहीं दिखता है, तो डॉक्टर्स प्रिफर इंटरनल स्कैन, तो वो उन्होंने किया। और जब वो कर रही थी डॉक्टर, तो शी टुक अ लिटल लॉन्गर टाइम टू सेट अप एवरीथिंग, तो आई मीन वो दूसरी जो असिस्टेंट थी उससे बात कर रही थी डॉक्टर, इंग्लिश में ही बात कर रही थी, और पूछ रही थी कि ये ठीक है, वो ठीक है एंड ऑल। तो ना वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसको क्या ठीक से यूज़ करना नहीं आता है मशीन, या फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। फिर डॉक्टर ने कुछ स्कैन किया, फिर उसने क्या किया, वो इंट्रा जो डिवाइस था वो निकाल लिया, एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड कि, उसने बोला कि आई एम सॉरी, शी सेड कि, she looked at me and she said ki, I am sorry, there is no heartbeat of the child. And maine apne husband ko dekha, hum dono bahut hi shock wale face pe the, just a moment. हाँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा और हम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, मैंने आई जस्ट रिमेम्बर हिज फेस, बहुत ही शक्ल उतर गई थी, शॉक लग गया था उनको, और मुझे तो बिलीव नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और मैंने पूछा आर यू श्योर, डॉक्टर ने बोला आई एम सॉरी, यू कैन कम आउट ऑफ द बेड, आई कैन नॉट सी द हार्ट बीट ऑफ द चाइल्ड।
मैं उतरी, आई क्लीन माई सेल्फ, आई गॉट डाउन और मैं जाके चेयर पे बैठी डॉक्टर के सामने. और मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है. मुझे ऐसा लगा कि मे बी उनके इंस्ट्रूमेंट लूज थे, उनकी मशीन ऑन नहीं थी. फिर से डॉक्टर से पूछा कि आर यू श्योर. देन द डॉक्टर लुक्ड इनटू माय आईज, शी लुक्ड डायरेक्टली इनटू माय आईज, आई रिमेम्बर, एंड शी इज लाइक, आई एम वेरी श्योर द फीटस डज नॉट हैव अ हार्ट बीट, यू लॉस्ट दिस प्रेगनेंसी. वो सुन के जो मेरी हालत हुई ना, मुझे याद है मैं जस्ट फेंट हो गई वहीं पे. ऐसे ही वहाँ पे जो मैं गिरी ना, डॉक्टर ने तुरंत पानी दिया, असिस्टेंट नर्स को बुलाया, माय हस्बैंड वाज देयर, बोला थोड़ी देर और लेट जाओ. आई वेंट बैक टू द बेड इन हर रूम. वहाँ पे मैं थोड़ी देर लेट ही रही, 5-10 मिनट. देन माई दे गेव अस सम टाइम, द डॉक्टर एंड द नर्स गेव अस सम टाइम. मेरे हस्बैंड मेरे पास थे, वी हग्ड ईच अदर, वी फेल्ट सो बैड, आई लॉस्ट इट, आई स्टार्टेड क्राइंग, सॉरी गाइस. सिंस इट्स अ मिस्ड मिसकैरेज, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया और मुझे कभी नहीं मालूम था कि मिस्ड मिसकैरेज क्या होता है. मैंने उससे पहले बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड. बीइंग अ वूमेन, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड. और मिसकैरेज सुना था पर मैंने कभी मिस्ड मिसकैरेज नहीं सुना था. डॉक्टर ने बोला ये मिस्ड मिसकैरेज है, दैट मीन्स कि जब आपकी बॉडी स्टिल प्रेग्नेंट फील करती है, बॉडी स्टिल सारे वही सिम्टम्स देती है. जैसे मेरा पेट काफ़ी ब्लोटेड रहता था, मुझे नौशिया, टायर्डनेस, अनइजीनेस रहती थी, आई यूज़ टू फील प्रेग्नेंट ऑल द टाइम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होते थे, जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है. तो डॉक्टर ने बोला कि ये मिस्ड मिसकैरेज में ऐसा होता है कि अंदर फीटस ग्रो करना बंद कर देता है, मिसकैरेज हो जाता है, पर बॉडी को पता नहीं चलता, बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता या ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता टू स्टॉप ग्रोइंग. तो आपकी बॉडी आपको फॉल्स सिग्नल देती है कि आप स्टिल प्रेग्नेंट हो, और इसमें ब्लीडिंग वगैरह या नेचुरल मिसकैरेज का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं होता है. मेरा अभी तक शुरू नहीं हुआ था. तो डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्या होता है. सबने बोला कि अभी एक डॉक्टर ने बताया है तो आप सेकंड डॉक्टर का भी ओपिनियन ले सकते हैं. तो इसीलिए मैं इमरजेंसी में गई. मैं व्हाट आई वांटेड कि जो कुछ भी मैंने सुबह सुना है वो सच ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए. इमरजेंसी में भी काफ़ी 2-3 घंटे लग गए, इमरजेंसी में भी भीड़ होती है. मैं बस प्रे कर रही थी कि सब कुछ अच्छा हो, कहीं से मिरेकल हो जाए, सुबह कुछ प्रॉब्लम हो, अभी हार्ट बीट आ जाए एंड ऑल दैट. लेकिन इमरजेंसी में भी दोनों जेंट्स डॉक्टर ने सेम चीज़ मुझे एक्सप्लेन की एंड आई वाज सो रिजिड. मैं फिर भी पूछ रही थी कि ऐसा हो सकता है क्या कि प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है कि बाद में हार्ट बीट आ जाए. पर डॉक्टर ने अगेन, दैट डॉक्टर लुक्ड इनटू माय आईज और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि इट्स अ क्लियर मिस्ड मिसकैरेज, यू ऑलरेडी हैड 2 ओपिनियंस, वी कैन schedule you for a procedure, or second thing is that you can wait for the natural process to happen. And mujhe us time koi bhi decision lene ki himmat nahi hui. So we just told him ki we will probably wait. Aur uske baad hum ghar aa gaye, bahut hi dukhi, shattered. And उसके बाद कुछ दिन और कुछ हफ्ते बहुत ही ख़राब गए. कि मैं जब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे गई थी, जब मुझे बताया गया था, तो 11.5 हफ्ते हो गए थे. आई वॉज थिंकिंग कि 11.5 हफ्ते प्रेगनेंसी को हो गए हैं और 1 हफ्ते के बाद आई विल क्रॉस दैट 12 वीक्स मार्क, जो 3 महीने हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, जिसके बाद आप थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हो, सबको बता सकते हो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में. पर जब डॉक्टर ने स्कैन किया था, अल्ट्रासाउंड, उन्होंने वो फीटस का साइज़ नापा था और उससे मुझे डॉक्टर ने बताया कि 8.5 वीक्स पे आई हैड ए मिसकैरेज. डैट मीन्स 8.5 वीक्स के बाद फीटस की हार्ट बीट चली गई थी और उसके बाद फीटस की ग्रोथ होना बंद हो गई थी, लेकिन मुझे नेचुरल मिसकैरेज नहीं हुआ था. तो बेसिकली मैं 3 हफ्ते पहले ही मेरी बॉडी में मिसकैरेज हो गया था, पर डॉक्टर ने मुझे
तीन हफ्ते बाद बता पाया या मुझे तीन हफ्ते के बाद पता चला, पर जो ये 10 दिन मुझे वेट करना था थर्ड डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ने, उस टाइम पे जो मैं जी रही थी ना, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू मेरी क्या सिचुएशन थी। पहली थिंग तो आई हैव टोटली कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम दी सोशल लाइफ। मैंने हार्डली अपने एक या दो फ्रेंड्स को यहाँ पे सिंगापुर में बता दिया था कि प्रेगनेंट हूँ, तो उनको भी बताना कि मिसकैरेज हो गया मुझे एक बहुत ही बड़ा पहाड़ लग रहा था सर पे, और बाहर जाके कुछ भी करना, घर पे भी कुछ भी करना मन नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने अपना मतलब कुछ भी नहीं किया, मैंने आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ था, दुख था, शॉक था कि क्या हुआ, मेरे साथ हुआ। एनीवेज वो 7-10 दिन बीत गए, मुझे नेचुरल मिसकैरेज नहीं हुआ, और मुझे इतना अनकंफर्टेबल होता था बॉडी में, कभी कभार यहाँ पे एब्डोमेन में पेन भी होता था। फिर मुझे ये भी मालूम था कि अंदर आई एम बेसिकली कैरिंग ए डेड फीटस, उसमें हार्ट बीट नहीं है, वो ग्रो नहीं कर रहा है, पर मेरी बॉडी में कुछ कंट्रीज़ में या कुछ हॉस्पिटल्स में मेडिसिन देते हैं टू इनिशिएट योर मिसकैरेज प्रोसेस, लेकिन डजंट बिलीव इन दैट। सिंगापुर में में मेडिसिन नहीं देते हैं, डॉक्टर ने मुझे ये बताया, तो इसलिए उन्होंने बोला द बेस्ट वे टू डू इज गो फॉर अ DNC प्रोसीजर, डॉक्टर खुद करेगी। बेसिकली इट्स द इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस, सो जो भी रिमेन्स होते हैं आपके मिसकैरेज के, दे विल बेसिकली यूज अ वैक्यूम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू क्लियर योर यूट्रस एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर। तो बस मेरे हस्बैंड ने ऑफ लिया ऑफिस से, हम लोग सुबह रणवीर स्कूलिंग गया, हम लोग हॉस्पिटल गए, आई गॉट एडमिटेड फॉर अ डे बिकॉज इट्स अ डे सर्जरी, आप सुबह एडमिट होके इवनिंग तक आ सकते हो। द स्टाफ एंड द नर्स एंड एवरीबडी वॉज सो कर्टियस एंड सो गुड एंड सो जेंटल इन द हॉस्पिटल, उन्होंने काफ़ी ही अच्छी केयर की, मतलब फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दी, दे वर रियली पोलाइट, डॉक्टर वॉज ऑल्सो गुड, द प्रोसीजर वेंट ऑन स्मूथली, डॉक्टर इमीडिएटली चेक्ड एवरीथिंग कि सब कुछ क्लीन एंड ऑल, एंड दैट्स ऑल। आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई केम होम, आई स्टिल ब्लीडेड फॉर 10 days, एंड देन डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी, एंटीबायोटिक्स दिए थे जो बहुत स्ट्रांग थे, तो हेल्थ वॉज रियली डाउन। आई टुक अ गुड 1 week to 10 days रेस्ट, my husband worked from home and he really took care of me really well, and I lost the baby, or उस चीज से बाहर आना आई डोंट थिंक सो, आई जस्ट ट्राई टू बी स्ट्रांग। उसके बाद मैंने मिसकैरेज के बारे में बहुत 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 पढ़ा, अपने आप को बस समझाने की कोशिश की, इट जस्ट कुड हैपन टू एनीबडी, एंड आप कितने भी हेल्दी हो कुछ भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जब भी डॉक्टर से बात की स्पेशली, तो सारे डॉक्टर्स ने एक ही चीज़ बोला कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है या आपने ऐसा कुछ किया है इसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। सारे डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं कि इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, 1 in 5 प्रेगनेंसी लैंड्स अप इनटू मिसकैरेज, बस लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। लोगों को मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, कई बार मिसकैरेज बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाता है जब आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रेगनेंट हो, बहुत सारी लेडीज़ को पता भी नहीं होता कि आप प्रेगनेंट हो और उनका मिसकैरेज हो जाता है, और कई बार मिसकैरेज 20 weeks के बाद होता है जिसको स्टिल बर्थ भी कहते हैं, अगर 20 weeks से पहले आपका हो जाए तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। सैडली लोगों के साथ ऐसा होता है, लोग इस बारे में बहुत ही फैमिली मैटर्स होते हैं, लोग सिर्फ अपनी फैमिली या अपने पार्टनर को बताते हैं, सबको बताते भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ये सब बातें शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज मे बी इफ़ वी शेयर ऑल दिस थिंग्स विद ईच अदर एज वुमेन, हम लोग एक दूसरे को बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ दैट आउट ऑफ द 2 or 3 फ्रेंड्स दैट आई टोल्ड कि मैं कंसीव किया है, आई वॉज प्रेगनेंट, उनमें से एक को फाइनली आई हैव टू टोल्ड बिकॉज शी वॉज लाइक
कि आई होप यू आर डूइंग वेल, इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो. सो आई हैव टू लेट हर नो कि मेरा मिसकैरेज हो चुका है. एंड शी सेड कि उसका भी दो बार मिसकैरेज हुआ था, उसके अभी दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं. ये जान के मुझे ये लगा कि लोगों के साथ होता है, बस हम लोग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही पर्सनल है, एंड मे बी इसके साथ थोड़ी शेम भी जुड़ी हुई है, क्योंकि समटाइम्स क्योंकि बस सोसाइटी ऐसी है कि लोग बोलते हैं मे बी तुमने ये किया होगा, मे बी तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, मे बी तुमने कुछ और किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता. बट द थिंग इज़ दैट जितने भी डॉक्टर से मैंने बात की, इससे यही बात समझ में आई कि जो हमारी बॉडी है, जब हमारे बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है और हमारी बॉडी समटाइम्स कुछ फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं, जो जायगॉट बनता है या एम्ब्रियो बनता है, उसको रिजेक्ट करती है. इफ़ दे थिंक समथिंग इज़ नॉट गुड इनफ फॉर फ्यूचर, दे जस्ट माई बॉडी, योर बॉडी जस्ट रिजेक्ट्स इट. आपकी बॉडी खुद ही उसको रिजेक्ट कर देती है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो आई जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग एल्स इन माई लाइफ. आई एम जस्ट होपिंग फॉर अनदर पॉजिटिव प्रेगनेंसी.